नमस्कार मित्रों, मैं हकीम नवीन दत्ता आप सबको अपने यूट्यूब चैनल बाबा हकीम द्राबा वाले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि हिंगवास्तिक चूर्ण के विषय में उसके बारे में बात करेंगे। इससे पूर्व के मैं अपने वीडियो का आरंभ करूँ, सभी पुराने मित्रों से निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें। जो भाई पहली बार मेरे चैनल पे हैं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं कोने में घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुँचती है। हिंगवास्तिक चूर्ण पेट के लिए, पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच, बदहजमी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इन पे लिए बहुत उपयोगी और बहुत सिद्ध होती है, कारगर सिद्ध होती है। दोस्तों, किसी प्रकार की भी आपको पेट की समस्या हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ख़ास करके गैस, खट्टे डकार आना इत्यादि में ये बहुत लाभकारी है। आइए जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी दिव्य औषधियाँ हैं जो इसको इतना प्रभावित बनाती हैं, जो इसको इतना कारगर बनाती हैं। दोस्तों, इसके अंदर सफ़ेद जीरा, काला जीरा, पीपली, काली मिर्च, अजवाइन, सेंधा नमक और आठवां भाग इसका में जो होता है वो हींग का पड़ा होता है। हींग जो है इसके अंदर डाली जाती है और ये मुख्य घटक होता है। तो दोस्तों, हींग पेट के सभी रोगों के लिए बहुत उपयोगी होती है, इसलिए इसको हिंगवास्तिक चूर्ण कहा जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे भारतवर्ष के अंदर जो वात प्रवृत्ति की दालें हैं जिनको खाने से वात रोगों की उत्पत्ति होती है या पेट में गैस इत्यादि का होना जो है मुख्य हो जाता है, तो उस परिस्थिति में हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे या हमारी दादी नानी अक्सर जो है दाल के अंदर हींग का तड़का दिया करते थे, जिससे उस दाल की वात प्रवृत्ति जो है वो ख़त्म हो जाए और शरीर के अंदर वात का संतुलन बनता रहे। तो इसलिए दोस्तों, ये वात रोगों पे भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, जैसे घुटनों का दर्द, जोड़ों के दर्द जो वात से के होने से होते हैं उस पे यह लाभदायक है। पेट में ये गैस की समस्या को दूर करता है और कब्ज़ में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आपको कब्ज़ हो जाए तो रात को भोजन उपरांत गर्म पानी के साथ इसकी आप जो है डबल मात्रा में लेंगे तो सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। इसकी जो आमतौर डोज है वो कितनी होनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। भोजन के उपरांत गुनगुने पानी के साथ 4 से 5 ग्राम तक आप इसका प्रयोग सकते हैं। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो रात को सोते वक्त 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो आज दोस्तों हमने हिंगवास्तिक चूर्ण के बारे में जाना, कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय आयुर्वेद।